वालेकुम अस्सलाम। हेलो कौन जी जी? हजरत, कैसी तबीयत पानी? अच्छी है? ठीक है, अल्लाह का फजल। कौन? मैं एक्चुअली आपसे थोड़ा 2 मिनट का समय चाहिए था हजरत। फरमाइए। एक्चुअली आपका वो मैंने वीडियो देखा यूट्यूब पर, वो अमेरिका में आपका जो दौरा हुआ है, कब हुआ था? अभी 2 दिन पहले वीडियो अपलोड हुआ है अमेरिका में, जो आपने कुछ डेलीगेशन के साथ बातचीत की है। मैं तो अमेरिका में गए हुए भी कितने साल, मैं तो नहीं गया हूँ अमेरिका। क्या हाँ, ये अभी YouTube पर देखा था मैंने वीडियो, देखा था? किसी ने वो डाल दिया उसमें होगा एक। आपने ये बात रखी है कि ये 1400 साल पुराना इस्लाम धर्म आखिर में आया। वो वीडियो आपको शायद याद होगा। 1400 पुराना इस्लाम धर्म क्या? हाँ, वो उसमें ये आपने कहा है कि सबसे आखिर में इस्लाम धर्म आया, तो जिसकी जिंदगी 1400 साल पुरानी है। हाँ, ये तो सही है। अगर मैंने ये कहा है, मतलब ये है कि इससे पहले यहूदी था जो हजरत मूसा का दीन था, उसके बाद फिर हजरत ईसा का दीन आया, फिर उसके बाद सबसे आखिर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन आया, जिसको इस्लाम कहते हैं। नहीं, हजरत हाँ मोहम्मद हाँ जी, एक तो ये चीज है कि जो यहाँ का जो मीडिया है वो भी इस इश्यू को कभी न कभी उठाता है, और एक दीपक चौरसिया नाम के जो पत्रकार है उन्होंने भी बात रखी क्या? थी कि कोई अगर साबित करके दिखाए कि दुनिया में इस्लाम की जिंदगी 1400 साल से आगे की कोई तारीख हो तो बताए, तो इस तरह के बहुत सारे चैलेंज करते हैं। और सवाल मेरे नहीं तो कंफ्यूजन के, अच्छा हजरत है मेरा नाम है, ये। मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, और पहले भी एक मर्तबा मेरी आपसे बात हुई थी। माशाल्लाह, आप फोन उठाते हैं, दूसरे अकाबरीन जो है वो तो कभी बात करते हैं तो फोन भी नहीं उठाते हैं। आप एक बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन थोड़ी नहीं, यहाँ मेरी पे बात। थो, हाँ थो, हाँ थोड़ी बात क्या यहाँ इसका? क्लियर ये करनी है हजरत, कि जहाँ तक हम दीन के बारे में बहुत सारे अलग अलग अकाबीरों को उठाते हैं और कुरान की कुछ तफसीर को हम जानते हैं, तो उसमें तो कुरान तो वाजिए ये कहता है कि इस्लाम आदम अल इस्लाम से लेकर आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमने इंसानों के लिए भेजा है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। जी, एक तो है अल्लाह की फरमा बरदारी और इताअत। अल्लाह एक है, इसको हाँ। मानना। ये तो हर नबी ने ये दीन दिया है, लेकिन एक है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन, जो कयामत तक के लिए है। ये जी दीन 1400 साल पुराना है। जी जी हर नबी अपने जमाने में सही अकीदा देता रहा कि अल्लाह एक है। बस उस दीन के अंदर जब हजरत आदम थे तो अकीदा था अल्लाह एक है, आदम अल्लाह के रसूल हैं। जी जब हजरत नूह आए तो अल्लाह एक है, नूह अल्लाह के रसूल हैं। जी 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 जब हजरत इब्राहिम आए, अल्लाह एक है, इब्राहिम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। जी जी हजरत ईसा आए तो हजरत मूसा आए तो जब हमारे आका हजरत मोहम्मद मसल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम। अलैहि वसल्लम आए, तो अब अकीदा ये हुआ कि अल्लाह एक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि सच्चे रसूल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज जिस दीन को हम कहते हैं कि इस्लाम है, या दूसरे लोग कहते हैं, ये वो दीन है जो कयामत तक रहने वाला है। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और नबुवत के बाद से आया है। ये माना है। रह गया इस्लाम, तो इस्लाम के माना है अल्लाह की इताअत करना। ये इताअत हजरत आदम के जमाने में भी कुछ लोग थे, हजरत नूह के जमाने में भी कुछ लोग थे अल्लाह की इताअत करने वाले, हजरत इब्राहिम के जमाने में भी थे जिन्होंने इताअत की वो कामयाब हुए, जिन्होंने इताअत नहीं की उन पर आजाब आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। हजरत ईसा के जमाने में, हजरत मूसा के जमाने में,
हमारा दीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये दीन अब कयामत तक रहना है और कोई नबी नहीं आने वाला है, ये माना है इसके, ये तो खुली हुई चीज है। इस्लाम जो आप कह रहे हैं वो माना अल्लाह की, इस्लाम के माना है अल्लाह की इताअत में गर्दन को झुका देना। ये हर नबी के जमाने में ऐसे लोग होते रहे हैं। कुरान भी कहता है जिन्होंने हजरत नूह की इताअत की वो कश्ती में सवार होकर के और बच गए, और जिन्होंने इताअत नहीं की उन सबको गर्क कर दिया गया। यही हुआ है हजरत अब हजरत हूद के जमाने के अंदर, यही हुआ मदियन वालों के ऊपर, हजरत शुएब के ऊपर जिन्होंने इताअत की, वो मुसलमान है इस्लाम के माना अल्लाह की इताअत करने वाले, जिन्होंने नहीं इताअत की उनके ऊपर अज़ाब आया और वो तो खत्म हुए। अब आज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, जो इताअत करेंगे वो कयामत के दिन सुरखरू होंगे, अल्लाह की जन्नत में जाएंगे। जो नहीं इताअत करेंगे रसूलुल्लाह की, उनको अल्लाह अज़ाब देगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसमें इसमें ये बात तो आपने खुलकर बात बता दी हजरत, सही है, लेकिन जो आपका जो वीडियो में मैसेज है वो बिल्कुल अलग है। उसमें आपने ये कहा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन की जिसकी जिंदगी 1400 साल है, और उससे पहले जो 600 साल जो ईसाई जो मजहब आया, तो मैं तो एक नाती छोटा सा तालिब इल्म हूँ और छोटी ये छोटी छोटी चीजों पर समझने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे ये समझ में आया कि ईसा अलैहि सलाम कोई ईसाई मजहब नहीं लेके आए थे, वो तो अल्लाह का दीन लेके आए थे। और दूसरी आप आप आपने आगे एक और बात बताई कि यहूदी जो है, तो ये यहूदी और ईसाई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वालों को मोहम्मदी कहा जाता है, तो ये तो समुदाय का नाम है, जिस धर्म को फॉलो करते हैं उसका नाम है। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन इस्लाम को अगर कोई फॉलो करता है तो उसको मोहम्मदी कहा जाता है। ईसा अलैहि सलाम के लाए हुए जो उनके फॉलोअर्स है, उसके जो उनके उनको जो मानते हैं अपने मनमानी के तरीके से, तो उसको ईसाई कहते हैं। ईसाई धर्म नहीं है मेरे हिसाब से, मैं ये मानता हूँ। यहूदी भी कोई धर्म नहीं, नहीं, नहीं है वो। नहीं, धर्म है। कैसे बात करते हैं आप, धर्म नहीं है। हर नबी का लाया हुआ एक मजहब है, जिन्होंने उस मजहब को माना वो कामयाब हुए, जिन्होंने उस मजहब को नहीं माना वो नाकाम हो गए। ये नहीं है कि वो कोई मजहब लेकर नहीं आए थे, ये मजहब तो हर आदमी हर नबी लेकर के आया है, तो वही क्यों आई उनके ऊपर, अल्लाह का पैगाम क्यों आया, तो अल्लाह के खास बंदे थे हजरत, तो नहीं पूरी पूरी सिस्टम लेके आते थे ना, वो तो पूरी एक सिस्टम लेके आते थे ना, तो वो सिस्टम जो लेकर आते हैं उसी को मजहब कहा जाता है। बिल्कुल, मजहब सिस्टम लेकर के आते हैं। नहीं, वो चीजों में आज मेरा खुद का कंफ्यूजन ये है हजरत कि उस चीज से ये तर्क निकलता है कि इस्लाम उससे पहले नहीं था 1400 साल पहले। मैंने आपको बताया कि इस्लाम नाम है अल्लाह की इताअत का। लेकिन अगर मानो आपने ये अभी ये कह रहे हैं, लेकिन वीडियो में अगर उस वीडियो को कट करके मीडिया वाले किसी हमारे मीडिया में कोई डिबेट करने जाता है, इस्लाम को अगर गलत प्रचार करते हैं मीडिया वाले, उनको जवाब देने के लिए अगर कोई जाता है वहाँ, अगर आपका वीडियो कट करके अगर दिखावे तो क्या होगा, उसका रीजन क्या होगा? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप मुझसे न पूछते तो मैं थोड़ी आपको ये बताता। ये एक एक बात बताना तो ये नहीं होता, कोई भी बयान में एक एक बात नहीं बताई जाती, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे कुरान की आयतों में जगह जगह ये बात है कि इस्लाम से मैंने पूरी दुनिया के लिए एक इस्लाम इस्लाम को चुना है। दीन नहीं, दीन अल्लाह का नजदीक दुनिया में इस्लाम है, यानी मैंने आपको बताया इस्लाम का माना क्या, यानी अल्लाह की इताअत। अल्लाह की इताअत करने वाले हर नबी के जमाने में रहे, चाहे एक रहा दो रहे या एक समुदाय रहा,
वो बराबर होता रहा है, ऐसी भी बात। फिर मैं बात करूंगा, मेरे कुछ मेहमान आ गए, फिर बात करेंगे। नहीं इंशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर आपने बात